नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भारत सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वर अय्यर पहुंचे बांका, आदिवासी गांव में हुए विकास कार्यों का किया निरीक्षण। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं को लेकर भागलपुर में अलर्ट। डीएम प्रणब कुमार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। शहर में अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त, दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। बांका में तेज बुखार से 7 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों ने जताई चमकी बुखार की आशंका। और मुजफ्फरपुर में बच्चों की लगातार हो रही मौत के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वर अय्यर, बिहार सरकार पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के आनंद शेखर और बिहार स्वच्छता मिशन के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बालामुर्गन डी मंगलवार को बांका के चांदन पंचायत के आदिवासी बहुल धावा गांव पहुंचे, जहां स्वच्छता मिशन, आंगनबाड़ी केंद्र, नल जल योजना और शौचालय निर्माण योजना के कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पूरे गांव और घरों में जाकर योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता मिशन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं और जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बेहतर कार्य किया है। सचिव परमेश्वर अय्यर, आनंद शेखर और बालामुर्गन डी धावा गाँव के निरीक्षण के बाद चानन प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय पहुंचे और उन्नयन क्लास से संबंधित जानकारी जिलाधिकारी से ली। पदाधिकारियों ने निरीक्षण के बाद बांका डीएम के कार्यों की सराहना की और कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारे, जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर डीडीसी अभिलाषा शर्मा, एसपी स्वप्नाजी मेश्रा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, डीपीओ, सीओ, बीडीओ एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। गर्म हवाओं के थपेड़ों और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने अस्पताल अधीक्षक और सिविल सर्जन को मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि हीट स्ट्रोक के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और इससे बचाव एवं इलाज के लिए अस्पताल एवं सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य है। डीएम ने सभी एसडीओ, सीओ, बीडीओ, सीडीपीओ विभाग के अधिकारियों एवं थानेदारों को लू से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है। साथ ही कहा कि सभी अधिकारी अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। सुबह 10:30 बजे के बाद मजदूरों से कोई काम ना करवाए। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन तक तपती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। भागलपुर की मुख्य सड़क से लेकर गलियां तक अतिक्रमण की जद में है और इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। जिलाधिकारी प्रणब कुमार के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे दिन लोहिया पुल से लेकर ततारपुर चौक तक अतिक्रमण हटाया। इसके पूर्व सोमवार को तिलका मांझी चौक से लेकर भीखनपुर तक निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। मंगलवार को नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता दल बल के साथ सीधा लोहिया पुल के समीप पहुंचा और अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़ गया। 3 मजिस्ट्रेट, सिटी मैनेजर, अमीन, जोनल प्रभारी और काफी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं 90% से अधिक लोगों ने पहले ही अपना सामान हटा लिया था। अभियान के दौरान माइकिंग कर दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की बात कही गई और दोबारा ऐसा करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर मजिस्ट्रेट गौतम कुमार ने कहा कि अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं अतिक्रमण में सिटी मैनेजर रवीश कुमार, मजिस्ट्रेट सोहन प्रसाद सिंह, अशोक राय समेत कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। निर्मला होटल के पास से ततारपुर चौक तक का अभियान चला है। मेरा मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्ति हुआ है आज के लिए और हम लोग अभियान चला रहे हैं। सफाई के सभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है और बहुत संख्या में सफाई वाले लगे हुए हैं और जेसीबी के साथ ट्रैक्टर पर भी चलाया जा रहा है।
इन दिनों बिहार में चमकी बुखार कहर बरपा रहा है। हर रोज चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद अब बांका के कटोरिया में चमकी बुखार से अचानक एक मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम कटोरिया प्रखंड के तिनडोभा गांव निवासी कृष्णदेव यादव का इकलौता संतान पीयूष कुमार है। बीमारी की पहचान होते ही मासूम को आनन फानन में देवघर के बाद पटना ले जाया जा रहा था, जहाँ रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही रेफरल अस्पताल कटोरिया से डॉक्टर नरेश प्रसाद के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम तिनडोभा गांव पहुंची और घटना की विस्तृत जानकारी ली। मेडिकल टीम ने मासूम की मौत की वजह चमकी बुखार होने की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मासूम की मौत इंसेफेलाइटिस या बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के कारण भी हो सकती है। इधर तेज बुखार और चमकी की शिकायत के बाद मासूम की मौत होने से इलाके में दहशत का माहौल है। सभी लोग मुजफ्फरपुर में लगातार मासूमों की मौत की हो रही घटना को लेकर काफी सशंकित है। रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर नरेश प्रसाद ने लोगों से अपील किया कि किसी भी बच्चे को तेज बुखार आने की शिकायत हो तो उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। कोई 10 बजे से तो बुखार आया, बुखार आने के बाद वही कांपने लगा, कांपने लगे बाद हम ले गए जगदम्बा, जगदम्बा से घूर के आए तो फिर उसको ले गए देवघर, देवघर में तो कोई डॉक्टर था नहीं, पूरा हड़ताल था बोला। फिर यही डॉक्टर प्रदीप कुमार झा बोला कि इसको पटना हम लिख देते हैं चिट्ठा, उस जगह पर पहुंच जाइए, इलाज इसका दवाई नहीं होता है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुई 130 बच्चों की मौत के खिलाफ मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया गया। बच्चों की सुरक्षा और मृत बच्चों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग करते हुए परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को असंवेदनशील बताया। परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कुणाल पांडे ने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया है। बच्चों की रोज मौत हो रही है, लेकिन लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की उदासीनता अब भी बरकरार है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कहा कि अविलंब पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो परिषद सड़क पर उतरकर आंदोलन तेज करेगी। इस मौके पर कुश पांडे, भानु प्रताप कश्यप, अभिषेक मिश्रा, विकास चौहान समेत परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन हम लोगों ने किया है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से 129 से ज्यादा बच्चे चमकी बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बिहार के जो मुखिया माननीय नीतीश कुमार हैं वो अभी तक उस परिवार को देखने और वहाँ स्थल घटना स्थल पर वह पहुँचे नहीं है। यह काफ़ी निंदनीय है कि एक परिवार का मुखिया कहा जाता है उसको उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वह खड़ा नहीं है, और जितना मुआवजा मिलना चाहिए उचित मुआवजा उस गरीब परिवार को नहीं मिला है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद आज सांकेतिक रूप से उसका विरोध बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में कर रही है, ताकि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिल सके और मुख्यमंत्री उस स्थान पर जाकर उस परिवार के साथ उसके दुख में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इसलिए आज उनका पुतला दहन किए हैं। अगर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो विद्यार्थी परिषद सड़क से लेकर संसद तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, उसका विरोध प्रदर्शन और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा। वहीं मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत के विरोध में बांका युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने बांका के गांधी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार बच्चों को सुरक्षा एवं सही इलाज मुहैया कराने में अब तक नाकाम रही है। माओं की गोद सूनी हो रही है और सरकार सत्ता के मद में चूर है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ भी नारेबाजी की और कहा कि राजद सरकार की लापरवाही और बच्चों की मौत के खिलाफ आंदोलन करेगी। इस मौके पर युवा राजद अध्यक्ष विशाल कुमार, रोहित राज शर्मा, बिट्टू रोहित समेत कई लोग मौजूद थे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी।
अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर मंगलवार को पीरपैंती के विभिन्न पंचायत के निजी पोल्ट्री फार्म की जांच की गई। पशु चिकित्सकों ने पीरपैंती के प्यालापुर, ईशीपुर समेत कई पंचायत जाकर मुर्गी फार्म की जाँच की और नमूनों का संग्रह किया। साथ ही बर्ड फ्लू से बचाव से संबंधित कई जानकारी भी मुर्गी पालकों को दी। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मुर्गी फार्म जांच के लिए पशु चिकित्सकों की टीम गठित कर अभियान शुरू करवाया। टीम में सहायक कुक्कुट पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंजलि कुमार सिन्हा, डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह समेत कई पशु चिकित्सक शामिल हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिया है। इसके पूर्व हॉस्टल नहीं खाली करने वाले छात्रों की डिग्री विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अवैध रूप से हॉस्टल में कब्जा जमाए छात्रों के बीच हड़कंप मच गया और मंगलवार तक छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया। विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि हॉस्टल में अब छात्रों की एंट्री नई व्यवस्था के तहत होगी। मेरी समझ से ज़्यादातर छात्रों ने खाली कर दिया है हॉस्टल। मुश्किल से 2-3 छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने हॉस्टल खाली नहीं किया है। कुछ तो बाहर के हैं, इस पर हमारा सीधा जो है प्रशासन नहीं है, लेकिन उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, नहीं तो प्रशासन अपने तरीके से इंतजाम करेगा। हॉस्टल को 2-3 छात्रों से एक खाली करवाना कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन छात्रों को भी धन्यवाद और तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया, जिसकी वजह से हॉस्टल खाली हुआ। और जो डिग्री कैंसिल करने की बात थी, उसमें से 5 का हम लोगों ने प्रस्ताव लिया था, 4 ने खाली कर दिया है। सूचना हमारे पास है, 1 के बारे में ठीक से सूचना नहीं है। हम देख लेते हैं उन्होंने खाली किया है या नहीं किया है। सभी लोगों ने, सभी स्तर के लोगों ने पूरी मदद की और बिना हो हंगामा के, बिना किसी ऑकरेंस के ये छात्रावास खाली हो गया। इसलिए तमाम लोगों को धन्यवाद जिन्होंने ऐसा किया, सहयोग किया उनको। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर विशेष छापेमारी अभियान के दौरान ललमटिया पुलिस ने लूट डकैती के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार की सुबह नाथनगर के पीपरपांती इलाके में छापेमारी कर फरार आरोपी जंगली साह को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधी पर ललमटिया थाना सहित जिले के कई थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है। बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघनान पंचायत के रामपुर गांव में बीती देर रात शरारती तत्वों ने ग्रामीण अजय सिंह के घर में आग लगा दी, जिससे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते घर में रखा हुआ अनाज, बिछावन व कपड़े के साथ सब कुछ नष्ट हो गया। घटना से जहां घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीण भी काफी आक्रोशित हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रजौन थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साह से वेतन निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। वेतन निर्धारण का निवारण नहीं होने से कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सीनियर सदस्य बलराम सिंह ने कहा कि 5वें एवं 6ठे वेतन निर्धारण को लेकर राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 7वें वेतन का फिक्सेशन के लिए निराधारण करने के लिए कुलपति महोदय का आदेश हुआ है, उसमें बहुत सा विसंगतियाँ था जो राज्य सरकार द्वारा क्लियर हो गया है। लेटर में जो जो सार राज्य सरकार को कर्मी को मिलेगा, वही विश्वविद्यालय कर्मी को लागू होगा वेतन निर्धारण में। लेकिन हमारे कन्वेनर हैं DO साहब, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। बार बार कुलपति महोदय को कर्मचारी अनुरोध किया, लेटर भी दिए, इनरोज भी कर दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे हैं। आज कुलपति महोदय नहीं है, कर्मचारी पूर्ण आक्रोश में थे। जो राज्य सरकार जो आदेश दिए हैं और राजभवन से जो आदेश आया है, उनके अनुरूप हमको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं तैयार हो रहे हैं। कहलगांव के सनहौला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को केयर इंडिया की ओर से अमानत ज्योति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ANM को केयर इंडिया के NMS जैनब कमाल, मनीषा नंदा और रेखा कुमारी ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रसव और इमरजेंसी में बच्चा और जच्चा को आने वाली समस्याओं से बचाव एवं इलाज से संबंधित जानकारी दी गई, जिससे सुरक्षित प्रसव के साथ बच्चा और माँ भी स्वस्थ रह सके। इसके अलावा भी स्वास्थ्य संबंधी कई जानकारी ANM
एएनएम को दी गई। इस मौके पर जयमाला कुमारी, बिंदु कुमारी, जानकी, अनीता समेत कई एएनएम मौजूद थी। प्रशिक्षकों ने कहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए अमानत ज्योति कार्यक्रम के तहत सभी प्रखंडों में एएनएम और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की गंभीर परिस्थिति में भी सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। संगौला में अभी अमानत ज्योति का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हम एएनएम जो भी लेबर उनकी एएनएम है उन सबको लेबर डिलीवरी कैसे करते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी आज के टॉपिक से डी डिलीवरी हम कैसे कराते हैं और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पीपीएच कैसे मैनेज करते हैं और बच्चों की जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनके बारे में हम उनको ट्रेनिंग में बताते हैं, ताकि हमारा मेन लक्ष्य ये है कि एक तो पेशेंट को क्वालिटी सर्विसेज मिल सके और जो मात मृत्यु दर है और बच्चे का मृत्यु दर है वो कम हो सके। ये अमानत ज्योति का ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पर। ये अमानत ज्योति एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एलएमएस है, नर्स मेडिकल सुपरवाइजर। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो अभी 2018 से शुरू हुआ है। यहाँ पर जितने भी हम पीएससी के लिए ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पर एएनएम है, हम उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर सही तरह से लेबर डिलीवरी करा सके। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पुरुष छात्रावास संख्या 1 में रहने वाले शोधार्थी के आकस्मिक निधन पर मंगलवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। शोधार्थी प्रवीण कुमार इतिहास विषय का छात्र था और हॉस्टल में रहकर ही अपने शोध कार्य को पूरा कर रहा था। वहीं शोक सभा आयोजित कर हॉस्टल के छात्रों ने प्रवीण कुमार की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु राउत, समाज विज्ञान संकाय प्रतिनिधि लालू यादव समेत कई छात्र मौजूद थे। हमारे बीच के जो साथी थे प्रवीण कुमार, हम आकस्मिक मृत्यु के बाद आज हम लोगों ने उनका शोक सभा रखने का 3 बजे निर्णय लिया था और सबों ने मिलकर आज उसका शोक सभा मनाया। मतलब प्रवीण कुमार राय ये हमारे इतिहास विभाग के शोध छात्र थे और बड़ी ही होनहार छात्र थे, बहुत लगनशील थे। वह 5 तारीख को रात में 12:30 बजे के लगभग बाथरूम करने गया और वहीं पता नहीं अचानक क्या ऐसी हो गई उनको, वो अचानक गिर गए और पीछे सर के बल पे गिरा उन्होंने। उसके बाद फिर कुछ साथियों ने आधा घंटा एक घंटा के बाद देखा और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए यहाँ से मायागंज, लेकिन मायागंज ले गए वहाँ से 1 बजे के बाद फिर दिन में हमको वहाँ से रेफर कर देता है उनको सिलीगुड़ी के लिए, बेहतर इलाज के लिए। सिलीगुड़ी ले के गए भी हम लोग, उसके बाद वहाँ 10 दिन तक उनका इलाज चलता रहा। लगभग 60% उनका रिकवर भी हो गया था, लेकिन फिर अचानक 16 तारीख को सुबह जो है कि लगभग 8 बजे के आसपास एकाएक ब्रेन में प्रेशर आया कि क्या आया। अंदर में हम लोग तो थे नहीं वहाँ, क्यों किसी को रहने नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो है कि अचानक आया, उसके बाद उसका टेम्परेचर शरीर का घट गया और वो जो है कि अंतिम सांस उन्होंने ली। भागलपुर से इस साल 215 हज यात्री मक्का मदीना जाएंगे, जिसमें से 127 पुरुष और 88 महिलाएं शामिल हैं। हज यात्रियों की पहली फ्लाइट 4 जुलाई को उड़ान भरेगी। वहीं हज को लेकर हज यात्रियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को पुरैनी मदरसा में कई लोगों को हज के तरीके बताए गए। ट्रेनरों ने हज यात्रियों को हज के विभिन्न अरकान बताए और कहा कि हज के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। मौके पर हज कार्यकर्ता हाजी उमर फारूक समेत कई लोग मौजूद थे। आज जो मदरसा अलजामियतुल हबीबिया में जो तालीमी हुज्जाज किराम की तरबियती प्रोग्राम हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शहर के लोग और कस्बा के लोग और देहात के तमाम लोग हुज्जाज किराम 100 से 200 के करीब जमा हुए और बस्ती के कुछ लोग भी जमा हुए। तमाम हजरात ने तहे दिल से शुक्रिया किया कि यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हम लोग को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है मसाइल के एतबार से और आगे बहुत ही रहनुमाई मिली है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भारत सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वर अय्यर पहुंचे बांका, आदिवासी गाँव में हुए विकास कार्यों का किया निरीक्षण। भीषण गर्मी और गर्म हवाओं को लेकर भागलपुर में अलर्ट, डीएम प्रणब कुमार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश।
शहर में अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन हुआ सख्त, दूसरे दिन भी अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। बांका में तेज बुखार से 7 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, परिजनों ने जताई चमकी बुखार की आशंका। और मुजफ्फरपुर में बच्चों की लगातार हो रही मौत के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।